विमलेश, यू आर अप्लाइंग फॉर यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर। यस सर। हाँ विल स्टार्ट योर फुल मॉक फॉर दिस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यस सर। ओके, गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ। सर मेरा नाम विमलेश है, मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरी स्कूलिंग भी सीतापुर से ही हुई है। मेरा बीटेक 2020 में पास हुआ है फ्रॉम गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा। मैं 2020 से ही टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा 2021 और 22 में गेट भी क्वालिफाई हुआ है। और ये मेरा पहला अटेम्प्ट है यूपीपीएससी AE का और पहला इंटरव्यू। अच्छा, एक बात बताओ, यस सर। इससे पहले किसी एग्जाम में तुम्हारा इतना क्लोज इंटरव्यू कॉल आया है? नहीं सर, पहला ही है। ये पहला है। तो तुमने कोई प्राइवेट कंपनी या फिर कंपनी या कॉलेज गलूरी है तो अच्छी कॉलेज है, प्लेसमेंट के चांस तो बनते हैं, तो वहां क्यों नहीं अप्लाई किया? सर मेरा शुरुआत से मतलब एम था कि इंजीनियरिंग सर्विस में जाना है, तो मैंने सर अपने बीटेक के 6 सेमेस्टर में ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। प्लेसमेंट में मैं बैठे नहीं सर। अच्छा, मान लेते हैं कि आपका अगर इंजीनियरिंग सर्विस इस बार कॉल आई आपको इंटरव्यू की, सर IAS में? IAS में? नहीं सर, IAS का तो सर अभी प्री भी नहीं क्लियर हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि अच्छा, इसके बारे में क्या जानते हैं आप, कौन सी पोस्ट मिलती है, कौन सी क्या जॉब कल्चर क्या होता है? सर यूपीपीएससी AE में सर एक AE की जॉब है सर, स्टेट की एक एक्सपेक्टेड जॉब है, जिसमें सर टेक्निकल पोस्ट के लिए होता है अप्लाई करते हैं हम लोग सर। इसमें सर PWD डिपार्टमेंट है, इरिगेशन है, मंडी परिषद है, आवास विकास परिषद है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है इसमें। लेकिन सर मेरा इसमें क्वालिफाई हुआ है सिर्फ 2 डिपार्टमेंट के लिए, PWD में, PWD और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यस सर। तो हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में कौन सी इंडस्ट्री डेवलप की है? सर उत्तर प्रदेश में इसमें सर ये नहीं पता इसका, सॉरी सर। अच्छा, एक बात बताइए, सर उत्तर प्रदेश में अगर अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसमिशन कंपनी, इसके अंतर्गत ये सर थोड़ा सा आवाज कट रही है सर आपकी। आपने गलगोटिया से किया ना बीटेक? यस सर। तो गेट में आपकी क्या रैंक थी 2021 22 में? सर पहली बार रैंक थी सर 13,000 और दूसरी बार थी सर 6,000। तो दूसरी बार घट गई? हाँ सर, थोड़ा सा कम इम्प्रूव हुई रैंक। ओके, कौन कौन से आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं? सर कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, नेटवर्क एंड मशीन्स। सर सर फेवरेट सर सारे सब्जेक्ट हैं लगभग, सबकी नॉलेज भी थोड़ी बहुत है सर, लेकिन ये चार सर थोड़ा है बड़े ठीक ठाक, नेटवर्क, कंट्रोल एंड मशीन। अच्छा, नेटवर्क में मेरे को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बताइए। सर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टेट्स दैट इन एनी सर्किट व्हेन इन एनी सर्किट रिसीव व्हेन ए सर्किट रिसीव मैक्सिमम पावर व्हेन द सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस एज सीन फ्रॉम द आउटपुट टर्मिनल्स एंड फॉर इन दिस थ्योरम मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हिच इज कम 50%। मैक्सिमम एफिशिएंसी कम्स 50%। यस सर। ओके, तो जब हमारा पावर सिस्टम है बड़ा ठीक है, वहां पे भी हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी होगी। हाँ सर, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? सर पावर सिस्टम में सर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर को सर ये नहीं पता अप्लाई कर सकते नहीं, लेकिन वहां सर मैक्सिमम पावर बढ़ाई जा सकती है कई तरीकों से। कई तरीकों से? हाँ सर।
अच्छा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में ही मुझे ये बताइए, अगर मेरा लोड इंडक्टिव सॉरी कॉम्प्लेक्स लोड है, यस सर, ठीक है, तब उस केस में एफिशिएंसी कितनी होगी? सर कॉम्प्लेक्स केस में क्या होगा, एफिशिएंसी कितनी होगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की? सर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में एफिशिएंसी सर कॉम्प्लेक्स केस में भी सर 50% ही होगी सर, क्योंकि इसके सर कॉम्प्लेक्स वैल्यू जो है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर हम लोग उसका उसका वो ले लेंगे सर, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अच्छा जो लूप और सर्किट में क्या अंतर होता है? सर सर्किट में सर एक एक मैश या दो मैश से ज्यादा भी मैश हो सकती हैं, और सर लूप में सर सिर्फ एक ही लूप होगी मतलब एक ही मैश होगी। जो केसीएल होता है, यस सर, ठीक है, केसीएल को हम ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट दोनों कंडीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? KCL वो ट्रांजिएंट स्टेडी स्टेट सर इसका आइडिया नहीं है, सॉरी सर। सर्किट बनाइए मैं देखता हूँ आपको। सर सर्किट कैसा बनाया सर, मतलब मैं बना बता एक बनाइए जिसमें ठीक है सर एक बार रिपीट कर दीजिए फिर से सर। टी नेटवर्क बनाइए, टी नेटवर्क सर इसमें एलिमेंट क्या क्या रहेंगे मतलब सर नॉर्मल टी नेटवर्क, पहले टी नेटवर्क बनाइए। ओके सर, बना दिया सर? यस सर। ये आपको जेड थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जेड वन आपका 6 ओम है, जेड टू आपका 4 ओम है, और जो लोड जेड वन 6 है जेड टू 4 है, और जेड थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यस सर। लोड रेजिस्टेंस हम जो लगाएंगे वी टू सब की तरफ उसकी वैल्यू है 8 ओम। अच्छा यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस भी है 8 ओम है, 8 ओम, ठीक है। यस सर। हमें बताना है कि इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होनी चाहिए सो दैट वैल्यू ऑफ जेड थ्री निकालनी, और सोर्स आपका इधर है दूसरी साइड। थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम है हमारे पास। ठीक सर एक्चुअली भूल गए इस प्रकार से करते सॉल्व सर, अभी याद नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। हाँ सर तो पहले सॉल्व किया था काफी टाइम पहले, अभी सर स्लिप कर गया।
अच्छा मशीन में बताओ मुझे। हाँ सर। हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है? यस सर, ठीक है। उसमें कंजर्वेटिव कहाँ पे लगा होता है? ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव कहाँ पे होता है? सर कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर के अंदर ही लगा होगा सर, अंदर ही लगा होता है सर। अंदर होता है? देखा है ट्रांसफार्मर? नहीं सर देखा तो नहीं है सर। देखा था मतलब, देखा था काफी टाइम पहले देखा था, अभी सर काफी टाइम से देखा नहीं है। ट्रांसफार्मर ही नहीं देखा आपने? सर ट्रांसफार्मर देखा है सर, सर उसमें कंजर्वेटर सर कहाँ होता है सर ये नहीं पता। कंजर्वेटर का नहीं पता? ट्रांसफार्मर में बुक होल्ड रिले का क्या काम है? सर अभी याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? क्या पढ़ के आए हो मशीन के लिए आप? सर मशीन के लिए सर सिंक्रोनस इंडक्शन। सर ट्रांसफार्मर में पढ़ा है सर, लेकिन ट्रांसफार्मर में सर कंजर्वेटिव नहीं पढ़ा, ध्यान दिया। ट्रांसफार्मर में थ्योरी पढ़ी है। अच्छा जो हिस्ट्री कर्व होता है, ठीक है? क्या सर? ट्रांसफार्मर में हिस्ट्री किस कर्व होता है? हिस्ट्री कर्व, हाँ सर। ठीक है, अगर हिस्टेरेसिस कर्व का डायमीटर बढ़ेगा एडिकरेंट लोड बढ़ेंगे या आपके हिस्टेरेसिस लोड बढ़ेंगे? सर हिस्टेरेसिस लोड बढ़ेगा। हिस्टेरेसिस लोड बढ़ेगा? यस सर। गुड। अच्छा, और अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता हूं मैं, ठीक है? यस सर। तो कौन सा लॉस बढ़ेगा? सर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे सर कुछ कंडीशन ही होंगे सर, जैसे वी बाय एफ रेशियो का कांस्टेंट है तो सर, क्योंकि सर स्ट्रेसर लॉस और एडी करंट लॉस दोनों डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। एडी करंट डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और स्ट्रेसर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर सर वी बाय एफ कांस्टेंट नहीं है तो सर ये डिपेंड करेगा इन दोनों पे। अगर कांस्टेंट है तो सर एडी करंट डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन सर हिस्टेरेसिस इनवर्सली हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के। एडी करंट अगर V by F कांस्टेंट है तो एडी करंट पे क्या एडी करंट लॉसेस चेंज होंगे या नहीं होंगे? सर एडी करंट लॉसेस चेंज नहीं होंगे। ओके, करके बताइए कैसे चेंज नहीं होंगे? सर इसका प्रूफ चाहिए, मतलब डेरिवेशन चाहिए। बताओ क्यों नहीं होंगे, बोल दिया ना। हाँ सर एक मिनट, सर एक सेकंड। सर दिख रहा है? हाँ, तो यहाँ पे तो बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे एडी करंट लॉस। सर यहाँ पे हमने दिखाया ना सर, फ्रीक्वेंसी कट जा रहा है सर, बीच कॉल तो वी बाय एफ होगा तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर से कट जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा तो सर डिपेंड नहीं करेगा फ्रीक्वेंसी पर। तो V स्क्वायर B स्क्वायर V by F कांस्टेंट है, हाँ कहाँ क्या कट कर दिया आपने, मेरे को तो समझ में नहीं आया। सर एक्चुअली हमको लगा सर उल्टा बोल गया हम सर, V by F कांस्टेंट जब नहीं होगा तब होगा सर, क्योंकि एडी करंट तो आपका B स्क्वायर F स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है? हाँ तो B हो गया आपका V by F। हाँ
ठीक है हाँ ठीक है क्लियर हाँ सर हाँ ठीक सर ठीक है। तो अब आपका v बाई एफ कर दो, अगर v बाई एफ कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा b। हाँ सर कांस्टेंट रहेगा, तो सीधे सीधे f के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया वो। हाँ सर हो गया नहीं हो गया। हाँ सर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। तो मेरा क्वेश्चन क्या था आप बताओ। हाँ सर एक्सप्रेशन बोलने में सर उल्टा हो गया सर, सब समझ में तो आ गया था लेकिन बोलने में उल्टा हो गया। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताइए, व्हाई वी डिसाइड द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इन केवीए। सर बिकॉज़ सर ट्रांसफार्मर डिपेंड ऑन कांस्टेंट लॉसेस एंड वेरिएबल लॉसेस, एंड कांस्टेंट लॉसेस प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड वेरिएबल लॉस प्रोपोर्शनल टू करंट। सर दोनों कंबाइन होकर केवीए बन जाएंगे वोल्ट एम्पीयर। अच्छा, लेकिन इंडक्शन मोटर होता है। हाँ इंडक्शन मोटर, हाँ उसमें भी लॉसेस ऐसे ही होते हैं, कांस्टेंट लॉसेस एंड वेरिएबल लॉसेस। हाँ तो वहां तो हम वाट में डिफाइन करते हैं। हाँ सर वहां का नहीं पता, कभी चीजों को समझ के देखा है कि क्यों ऐसा बोल रहा है कि क्या होता है। रेटिंग जो होती है वो साइज जो होता है ट्रांसफार्मर का किस चीज पर डिपेंड करता है। सर साइज ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सही, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पर सर साइज ना, सर फ्रीक्वेंसी के अलावा तो सर उसके वोल्टेज रेटिंग भी डिपेंड करेगा। वोल्टेज ठीक है सर, अभी दो ही याद आ रहे हैं। अगर मान लीजिए वोल्टेज कांस्टेंट हमारा, फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज कर रहे हैं, साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर साइज डिक्रीज हो जाएगा सर, डिक्रीज कम होगा। डिक्रीज हो जाएगा। हाँ सर आइडिया है क्यों हो जाएगा। सर एग्जैक्टली आइडिया तो नहीं इसमें क्लिक हो रहा है सर। अच्छा वोल्टेज क्या होता है। सर वोल्टेज रेगुलेशन व्हेन देयर इज अ चेंज इन द नो लोड वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड व्हेन द सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, इट्स कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। एंड वोल्टेज रेगुलेशन सर जितना मिनिमम होगा उतना अच्छा होगा। वोल्टेज रेगुलेशन सर लैगिंग के लिए पॉजिटिव होता है, लीडिंग और लीडिंग के लिए जीरो और निगेटिव होता है। इसका मैथमेटिकली सर नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाई फुल लोड। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो सकती है इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर। सर मैक्सिमम वैल्यू सर 40-50% सर। 40-50% नहीं सर 30-40%, 30-40%, 30-40% सर गेस कर रहे हैं सर। अच्छा पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशन बताइए। सर पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फेस सेम होना चाहिए। सर तीन तो डिजायरेबल, तीन तो मस्ट है कंडीशन। सर इसके अलावा सर रेटिंग जो है उसका सर इसमें कोई यूज नहीं है ट्रांसफार्मर पैरेलल कंडीशन का। अच्छा ट्रांसफार्मर में ये हमिंग नॉइज आती है वो किस वजह से आती है। हमिंग नॉइज सर सर हमिंग नॉइज सर कई कारणों से आ सकती है सर, जैसे कोरोना लॉस हो रहा हो तो उससे हमिंग नॉइज आ सकती है। सर अभी फिलहाल एक ही याद आ रहा है। चलो नो मैं रेडी हो गया फीडबैक देने के लिए। सर एक दो क्वेश्चन पूछेंगे फिर मैं फीडबैक दूंगा। ठीक ओके बिमलेश। यस सर। सर आपने टेक्निकल ले लिया। मैंने टेक्निकल सर अब। ओके ओके फिर भी एक दो क्वेश्चन कंट्रोल से पूछ लेना। मैंने कंट्रोल नहीं पूछा, पढ़ के आया कंट्रोल पावर से नहीं पूछा मैंने।
ओके ओके अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हारा घर कहाँ पे है यूपी में? सर सीतापुर। सीतापुर। फादर बाय प्रोफेशन क्या है? सर पापा एलआईसी में है। एलआईसी में। अच्छा एक चीज बताओ, गवर्नमेंट जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? व्हाट इज द बिग मोटिव? सर दो तीन चीजें हैं सर। पहले तो सर फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी अच्छी है। हाँ तो केवल स्टेबिलिटी के लिए? सर स्टेबिलिटी है नहीं सर, सर सोसाइटी में एक सर इसमें रिस्पेक्ट होती है सर। रिस्पेक्ट, चलो ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, इंडिया में टोटल गवर्नमेंट जॉब कितना परसेंट है? सर ये नहीं पता, मतलब कम ही है सर, काफी कम है। यूपी में कितना है? सर यूपी सर ये नहीं, आइडिया नहीं है कितना है सर, लेकिन कम है सर, मतलब बिलो 50% ही है। तुम्हारे घर में कौन सा मीटर लगा हुआ है? सर एनर्जी मीटर, मतलब डिजिटल मीटर लगा हुआ है। डिजिटल मीटर लगा हुआ है। ये डिजिटल मीटर और जो पुरानी जो जनरलाइज ऑथेंटिक मीटर होती थी, हाँ एनालॉग नहीं, जो एनर्जी मीटर होती थी ट्रेडिशनल, उन दोनों में बिग डिफरेंस क्या है? और डिजिटल मीटर करने का क्या मेन रीजन है? सर डिजिटल मीटर में सर फायदा ये हुआ है कि सर पहले क्या मीटर होते थे उसमें सर लोग अब टैम्पर कर देते थे उसको सर, कि मतलब रीडिंग सर एक दो जंप हो जाए तो सर बिल कम आया उससे। इस समय क्या है डिजिटल में सर रीडिंग को टैम्पर नहीं कर सकते, एक तो सर ये फायदा है। दूसरा सर एनालॉग मीटर में सर रीडिंग कई बार सर दिखाई देती नहीं है, मतलब दूर से नॉर्मल लोग को दिखाई देगी नहीं, और सर डिजिटल में क्या है दूर से दिखाई देती है। अच्छा ठीक है, एक चीज बताओ, कंट्रोल सिस्टम हम लोग क्यों पढ़ते हैं? अगर हम कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें गवर्नमेंट जॉब की स्टेबिलिटी से, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सिस्टम को मोर स्टेबल बनाते हैं? सर ये नहीं गेस करो। आइडियल सर सर अभी नहीं है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? सर ट्रांसफर फंक्शन कर में डिफाइन आज रेशियो ऑफ लाप्लास लाप्लास ऑफ आउटपुट टू लाप्लास ऑफ इनपुट इन एक्सप्लेन व्हेन द इनिशियल कंडीशन आर जीरो। अच्छा एक चीज बताओ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कौन से फंक्शन का होता है? सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल फंक्शन का निकाल सकते हैं, क्योंकि सर डिफरेंशियल को सॉल्व करना कठिन होता है। डिफरेंशियल नोट करते हैं, डिफरेंशियल पे एक मेथड है, मैं पूछ रहा हूं फंक्शन कौन सा होता है सर लाप्लास में? सर रैंप पैराबोलिक स्टेप रिस्पांस ज्यादातर यूज करते हैं। क्यों स्टेप इनपुट स्टेप क्यों यूज करते हैं? सर इसलिए क्योंकि सर स्टेप रिस्पांस एक बाउंडेड सिस्टम है, बाउंडेड सिग्नल है सर। एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू निकालना सर थोड़ा सा बाकी बाकी सिग्नल से आसान होता है। अच्छा इंपल्स फंक्शन को क्यों नहीं यूज कर पाते हैं किसी भी सिस्टम? इंपल्स सर क्योंकि इंपल्स सर एट टी इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट होता है सर, उसका सर वो बाउंडेड नहीं है सिस्टम। तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए तो सबसे बेस्ट तो इंपल्स ही हुआ ना, सिस्टम की स्टेबिलिटी को बताएगा वो सर। जिसके सर वही नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे सर, वो अच्छा कैसे होगा? तो स्टेप रिस्पांस ही होगा ना इसमें, क्योंकि उसके सर एटीट्यूड इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टेप रिस्पांस कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं जाके कैलकुलेट हो जाएगी, और इनफाइनाइट वैल्यू का सर कैलकुलेट होना सर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सर मेरे हिसाब से। अच्छा एक चीज बताओ, जब हम पावर सिस्टम पढ़ते हैं राइट? यस सर। तो सबसे बड़ी चीज क्या हमारे माइंड में आती है कि क्यों पावर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं? सर यही आएगी दिमाग में सर कि जो बिजली वहां पे डेवलप होती है, जनरेट होती है स्टेशन पे, वो घर तक कैसे आती है और सर कितनी आती है इस सबसे, बस इसीलिए पढ़ते हैं पावर सिस्टम सर।
घर तक बिजली लाने के लिए। अभी तो एक ही याद आ रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम हाइट को कंपेयर करें ट्रांसमिटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर सिस्टम में, तो हाइट किस तरीके से डिफाइन की जाती है और दोनों का हाइट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? सर दोनों का हाइट मतलब कौन कौन सिस्टम में? सुन नहीं पाए सर। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हाइट है, इसके बारे में नहीं सुना। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, मान लो तुम सेलेक्ट हो गए, ठीक है सर, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट तुमको मिल गया, ओके, और एक तुम्हारा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे कौन से काम होते हैं और काम अगर नहीं होते हैं तो कौन सा तुम चीजें इंप्रूव कर सकोगे, जो तुम्हारे अंदर जो स्किल है उसके द्वारा इन डिपार्टमेंट में किस तरीके से तुम इन्हांस कर सकते? सर पीडब्ल्यूडी का जो काम होता है सर, इसमें सर ज्यादातर काम सिविल वालों का होता है, ये लोग रोड बनाते हैं सर। सर उसी रोड पे सर जो लाइटिंग होती है स्ट्रीट लाइटिंग, उसमें सर हम लोग का काम होता है, इलेक्ट्रिकल वालों का ज्यादातर। सर अभी तक मुझे जितना मतलब आइडिया लगा है उस हिसाब से सर लाइटिंग का काम हो सकता है इसमें सर, तो वो लाइटिंग सर और अच्छी सर हो सके उसके लिए काम कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बारे में तो अभी ज्यादा नहीं सुना था, ये नया डिपार्टमेंट इसमें सुना है पहली बार सर। कोई गेस, जनरल गेस? सर गेस सर, जैसे सर यहाँ पे सीतापुर में कई चीनी मिल हैं सर, इंडस्ट्री है, जैसे जवाहरपुर चीनी मिल है, तो सर वहाँ पे सर ऐसे अगर मैनेजर की पोस्ट मिलेगी तो सर वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि सर गांव का एरिया है थोड़ा सा, सर वहाँ पे सर इतना ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी अच्छी नहीं है। तो अगर आप अगर आप गांव में प्लेस्ड हो गए तो यू आर हैप्पीली टू सर्व टू सस्टेन योर होल योर जॉब पीरियड देयर? हाँ सर इजीली सर, बिकॉज़ सर माय बैकग्राउंड इज फ्रॉम विलेज। या कुछ इधर उधर करके आप ट्रांसपोर्ट ले लेंगे? नहीं सर, सर आई एम सो कंफर्टेबल एवरीवेयर। कंफर्टेबल है, कोई एक एग्जांपल बताइए सर। एग्जांपल सर, हाँ सर एग्जांपल तो सर काफी जगह हुआ सर, जैसे कि मैं दिल्ली में रहा हूँ, 4 साल कॉलेज में बीटेक किया हूँ, उसके बाद फाइनल ईयर में मैंने समर ट्रेनिंग करी थी झांसी में, वहाँ गया था मैं, वहाँ पे ट्रेनिंग भी करी और मैंने वहाँ पे तैयारी करी। झांसी में तो मैं एकदम विलेज एरिया में लिया था मैंने कमरा, उसके बाद सर मैं इलाहाबाद भी 1 महीने रुका हूँ, तो कई जगह पर रुका हूँ इधर उधर गाँव में, इलाहाबाद में सर, प्रतापगढ़ में एकदम गाँव में। ओके विमलेश जी सुनिए, सर एचआर पार्ट आपका ओवर हुआ। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऑर्थोडॉक्स होते हैं, अनऑर्थोडॉक्स होते हैं सर, वो रिलेवेंट नहीं होते हैं कि इसका आंसर किस तरीके से दिया जाए, पर जैसे आप क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे तो आंसर उसी में होता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप एकदम से ये मत बोलिए कि सर इसके बारे में आइडिया नहीं है, ये क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप थोड़ा गेस कर पाइए, ठीक है? जब मैंने पूछी आपकी गवर्नमेंट जॉब के स्टेबिलिटी में और कंट्रोल सिस्टम के स्टेबिलिटी में, तो इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आप कितना इमेजिन कर पा रहे हैं, ठीक है? और इन सब जॉब में एक और दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कंडीशनल क्वेश्चन, कोई सिचुएशन में आपको रख दिया जाएगा, जैसे मैंने बोला आप किसी गांव में रख दिया जाएगा, फिर आपको जैसे आपको रहना है वहां पे, ठीक है? तो कोई एक इंसिडेंट या कोई एक छोटा सा इंसिडेंट बताइए कि सर मैं वहां रहा था तो मेरे को ये चीज सब पसंद आई तो इसीलिए मेरे को ये ऐसा चैलेंज मिला तो मैं इस चैलेंज को पूरा कर पाऊंगा, राइट? कोई प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करूंगा। और टेक्निकल आपका सर फीडबैक देंगे, बाकी आपका एक बार मेजरमेंट भी देख लीजिएगा मीटर के बारे में, ठीक है? सर हम कुछ सर कुछ पूछना चाहेंगे हम सर। हाँ बोलिए सर। सर ड्रेस को लेकर कुछ बारे, टाई लगाना होगा सर, टाई वाई वगैरह? देखिए आप पे डिपेंड करता है, सीधी सी बात है, अगर आप एग्जाम में अच्छे हैंडराइटिंग लिखते हैं तो इट सूट्स द गुड इनटू द आईज,
ठीक है, जो चीज अच्छा दिखता है उसको पढ़ने का भी मन करता है। तो अगर आप अच्छा अच्छा प्रिपेयर करके जा रहे हैं अपने अपने लुकअप को, तो डेट इज तो वो एड ऑन हो जाएगा। पर ये मत सोचिए कि उसके द्वारा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन आपको जो बोलेंगे और आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, सिलेक्शन उससे होगा। ठीक है, जितना अच्छा बन, टाई और शर्ट तो मस्ट होता है भाई इंटरव्यू और भी यूपीएससी का है, तो टाई और शर्ट ठीक है ना, फॉर्मल शर्ट टाई। जितना अच्छा बन के जाओगे उतना अच्छा है। ठीक है, ठीक है। तुम्हारे सामने कोई अनप्रोफेशनल में आ गया कोई अच्छा से, तो फिर उससे बात करने का भी मन करेगा ना। ठीक है, ये तो वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी है, इसमें तो सब अपना बेस्ट देके आते हैं। सर जब वहां पर जैसे आचार में वो सर हम सुने हैं कि वहां पर नाम पूछते नहीं वो लोग सर, मतलब डायरेक्ट शो कर देते हैं इंट्रो में। हाँ, क्योंकि उनके पास तुम्हारा बायोडाटा होता है। अच्छा, तो हम शुरुआत कहां से करेंगे सर वहां पे? शुरुआत जो क्वेश्चन पूछे, कोई कंडीशनल क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन को पहले सुनना, फिर उसको ट्राई करना। एचआर क्वेश्चन को टेक्निकल क्वेश्चन तो है नहीं कि हाँ गलत हो जाएगा। एचआर में कुछ सही कुछ गलत नहीं होता है, ये तुम्हारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से आंसर दे रहे हो। सर जैसे वो बोलेंगे कि इंट्रोड्यूस करोगे तो अपना नाम बता सकते हैं? अपना नाम बताइए और आपने कहाँ से स्कूलिंग की है। पहले आप अपना जो हाईएस्ट आपकी डिग्री है वहां से स्टार्ट कीजिएगा। मैंने बीटेक यहाँ से की, उसके बाद मैंने 12th फिर 10th। ठीक, राइट। और ज्यादा अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मेरे फैमिली मेंबर में ये है मेरे, तो जितना आप नहीं बताएंगे सर, शॉर्ट एंड ब्रीफ रहे, दैट इज द मस्ट। ओके सर, ठीक है। बाकी सर टेक्निकल आपको फीडबैक देंगे। हेलो विमलेश। यस सर। देखो आपने ट्रांसफार्मर भी नहीं देखा दोस्त, इलेक्ट्रिकल सर देखा तो है सर, लेकिन एकदम भूल गए तो सोचा फिर बोल दे कि नहीं देखा। ठीक है, कंजर्वेटर, ब्रीदर, ठीक है ना, हमिंग नॉइज, ये सब तो पता होना चाहिए। ठीक है, और आप ना सारी चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे आंसर को, मतलब कैजुअली आंसर किए हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे, अगर पढ़ के एक्सप्लेन करोगे तो आपके अंदर अपने आप से कॉन्फिडेंस आएगा। ज्यादा सब्जेक्ट बताने की जरूरत नहीं है आपको, 3 सब्जेक्ट आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, उनको अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना, जैसे अभी मैं आपसे पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशन, वो भी आपने कैजुअली की सर डिजायरेबल होती है वो होता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होती है वो नहीं पता हमें। ठीक है, ठीक है। तो बताना, अगर नहीं करना चाहते हो तो बोल देना सर मैं इस प्रोजेक्ट को पढ़ा नहीं हूँ क्योंकि काफी दिनों से मैं आउट ऑफ टच। तुम्हारे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं ना, बीटेक प्रोजेक्ट के अलावा तुमने क्यों नहीं ना कहीं जॉब की है ना, तुम्हारा एमटेक है तो तुम्हारा कंपलसरी पार्ट होगी, पूछने की क्या बात है तुम्हारी। सर ने सही बोला था, इतना कैजुअल होके इंटरव्यू नहीं दिया जाता है। ठीक है, और जैसे हाँ सर ध्यान रखेंगे। हाँ, इसी जो वोल्टेज रेगुलेशन आप 30-40% फिर 35-30% बोलने लगे, वोल्टेज रेगुलेशन पर यूनिट इम्पीडेंस मैक्सिमम हो सकता है, ड्राइव दिया होगा ये फॉर्मूला आपको, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, किया होगा कभी ना कभी तो किया होगा, इसके परिमाण से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है ना, अगर ज्यादा होगा तो जल जाएगा या फिर ओवरलोड होगा। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन की डिफिनेशन अच्छे से डिफाइन करना सीखो, इट डिफाइन इट गोस गिवन पावर फैक्टर। ठीक है ना, पावर फैक्टर का टर्म जरूर आता है, चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, ठीक है ना, एट गिवन पावर फैक्टर।
और ये रिलेशन जरूर देख लेना, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है? हाँ ठीक है। देखो इंटरव्यूअर क्या चेक करता है कि वो कॉन्सेप्चुअली क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? आप ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा दो थोड़ा ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा। अब दो तीन क्वेश्चन ऐसे पूछेगा वो कि ये कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, तो उसी में वो खुश हो जाता है कि हाँ ये कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है बच्चा, ठीक है, कॉन्सेप्ट पता है इसको, ठीक है? तो जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपने नेटवर्क बोला था तो मैंने पूछा, ठीक है ना? अब उसका क्वेश्चन आता है तो उसको करना भी आना चाहिए ना कि कैसे कर सीखा हो गया, ठीक है? ठीक सर, हमने कुछ ट्रेनिंग करी थी सर, BHEL झांसी में सर करी थी, उसका बताना होगा, बताया कि ना बताया? उसको भी बताओ, BHEL ट्रेनिंग वहां पे क्या सीखा है वो देखो, वो सारी टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। हाँ, तो जो चीज आपको अच्छा लगता है वो जरूर बताना चाहिए, जिसको आपको लगता है कि इंटरव्यू आपका इंट्रोडक्शन का काम ही यही है कि आप इंट्रोडक्शन में ऐसी चीजें बताएं कि जिससे कि इंटरव्यूअर को आप अपनी डायरेक्शन में लेके जाए, ठीक है ना? तो इंटरव्यू में इनको अपनी डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा ना कि सर आई डिड माय कन्वेंशनल वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम BHEL एंड माय प्रोजेक्ट वर्क्स एंड सो, ठीक है? फिर वो ट्रेनिंग के बारे में पूछेगा, BHEL के बारे में पूछेगा, उनके बारे में पूछेगा। वहां पे आप थोड़ा सा अगर कम क्वेश्चन भी बताओगे तब भी चल जाएगा, कि ट्रेनिंग में आप बोलोगे सर मैंने ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग देखा था वहां पे ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा था वो हमें भी नहीं दिखाया था, वो अच्छे से करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। तुमने ट्रांसफार्मर के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है तो फिर बोलोगे कैसे? ऐसे पढ़ लेंगे, पढ़ना इसको, ठीक है? हाँ सर, चलो ऑल द बेस्ट, गुड लक विमलेश। थैंक यू सर।